हेलो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर एसआर बुक. ओपन एसआर 7 ऑफ यूनिट 8. टुडे वी विल रीड द स्टोरी द टू ब्रदर्स. ओके, तो इसमें दो भाइयों के बारे में हम रीड करेंगे. दोनों भाइयों का अलग अलग नेचर है, तो कैसे जो है वो उनका नेचर चेंज होता है. ओके, नाउ लेट्स रीड स्टोरी. Once there were two brothers who lived in the mountains. एक बार दो brothers थे जो mountains पहाड़ों पर रहते थे. Mountains means पर्वतों पर रहते थे, दिख रहे ना. They both loved each other dearly. और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे दोनों. They were both of a different nature. वे दोनों अलग अलग nature, अलग अलग स्वभाव के थे. जैसे आप भाई बहन होते हो, कोई शांत होता है, कोई गुस्से वाला होता है, ऐसे अलग अलग नेचर के थे उसने, ठीक है ना. द एल्डर वन वाज सेंसिटिव. एल्डर वन, एल्डर मीन्स बड़ा, बड़ा भाई. बड़ा भाई जो है वो वाज सेंसिटिव, बहुत नरम था, सेंसिटिव, संवेदनशील था, ठीक है, इमोशंस रखता था, मतलब प्यार से रखता था. बट द यंगर वन वाज वॉयलेंट. लेकिन छोटा जो है, यंगर मीन्स छोटा, जो छोटा भाई था वो वॉयलेंट, बहुत गुस्से वाला था, हिंसक था. द यंगर ब्रदर स्पेंट ऑल हिज टाइम हंटिंग. वॉयलेंट था तो इसलिए छोटा भाई जो है वो हमेशा सारा टाइम हंटिंग, शिकार करने में, एनिमल्स को का शिकार करने में सारा समय व्यतीत करता था, सारा समय बिता देता था. स्पेंट, ठीक है, हंटिंग मीन्स शिकार करना, पशुओं को मारना. द एल्डर ब्रदर डिड नॉट लाइक दिस. और बड़े भाई को यह पसंद नहीं था, किसी भी एनिमल्स को कोई चोट पहुंचाना उसे पसंद नहीं था, वो शांति में विश्वास रखता था. ही ट्राई टू कन्विंस द यंगर ब्रदर बट ही डिड नॉट लिसन. और वह जो बड़ा भाई था, एल्डर ब्रदर, वो अपने छोटे भाई को कन्विंस, मतलब समझाने की कोशिश भी करता था, बट ही डिड नॉट लिसन, लेकिन वह उसकी सुनता ही नहीं था. जो उसका छोटा भाई था वो अपने बड़े भाई की नहीं सुनता था. वन डे द एल्डर ब्रदर पुट अप एन एग्रीमेंट बिफोर हिज ब्रदर. एक दिन बड़े भाई अपने छोटे भाई के सामने एक शर्त रखी, एग्रीमेंट, एक शर्त रखी. ही सैड टुमारो आई विल टेक द फॉर्म ऑफ ए डियर. उसने कहा कि टुमारो मीन्स आने वाला कल, जो कल आने वाला है, कल मैं एक डियर की फॉर्म ले लूँगा, मीन्स मैं डियर बन जाऊँगा. इफ़ यू कैन किल मी बिफोर सनसेट. यदि तुम मुझे सनसेट, क्योंकि ये काल्पनिक कहानी है, कोई रियल नहीं है इसलिए बनाया हुआ है. यदि तुम मुझे सनसेट मीन्स सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले मुझे मार सके, आई विल एक्सेप्ट डैट यू आर राइट. मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं स्वीकार कर लूँगा कि तुम ठीक हो, कि तुम जो शिकार करते हो, एनिमल्स को मारते हो, तो तुम ठीक हो. बट इफ़ यू फेल टू डू सो, यदि तुम ऐसा करने में फेल हो गए, यू मस्ट नेवर हंट अगेन, तो तुम्हें दोबारा शिकार नहीं करना. ये शर्त थी उनके बीच में. द यंगर ब्रदर एग्रीड, छोटा भाई मान गया, सहमत कर लिया. नेक्स्ट डे द एल्डर ब्रदर टुक द फॉर्म ऑफ ए डियर. अगले दिन एल्डर ब्रदर ने, बड़े भाई ने, भाई डियर बन गया, क्योंकि ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है. यंगर ब्रदर बिगेन चेजिंग हिम. छोटे भाई ने उसका पीछा करना शुरू किया. द चेज लास्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम. पीछा जो है वो एक लंबे समय तक चला, कई देर तक जो है वो उस डियर का पीछा करता रहा और पकड़ में नहीं आया. बोथ ऑफ देम वर पार्च्ड एंड एग्जॉस्टेड. दोनों ही जो है वो बहुत थक गए थे. ओके, दोनों बहुत थक गए थे भागते भागते. बोथ ऑफ देम वांटेड टू हैव सम वाटर. और दोनों ही जो है वो कुछ पानी चाहते थे. बट कुड नॉट स्टॉप, लेकिन रुक नहीं सकते थे, क्योंकि अगर डियर रुक गया तो उसका छोटा भाई उसे मार देगा, ठीक है. और अगर छोटा भाई जो है वो रुक गया तो उसे शर्त हारनी पड़ेगी, ठीक है. द यंगर ब्रदर हिट. छोटा भाई छिप गया. हिट मीन्स छिपना. एंड द डियर स्टेप्ड आउट फॉर ए सिप ऑफ वाटर. और जो है वो हिरन स्टेप्ड आउट फॉर ए सिप, एक पानी की बूंद के लिए, पानी पीने के लिए बाहर स्टेप्ड आउट, धीरे धीरे बाहर निकल गया, आगे निकल गया. Soon he sensed his brother's arrow. जल्दी ही उसने
सेंस उसके ब्रदर के तीर की आवाज़ कमिंग ऑन हिम, जो उस पर तीर चलने वाला था, तो उसके भाई ने तीर छोड़ा। उस तीर के आने की आवाज़ सेंस मतलब महसूस की। ही रैन बैक इन टू द बुशेस, तो वह वापस झाड़ियों में चला गया। डियर जो है वो वापस झाड़ियों में चला गया जब उसने तीर के आने की आवाज़ चलने की आवाज़ सुनी कि तीर उसकी तरफ आ रहा है। द यंगर ब्रदर कुड नॉट टेक इट एनी मोर, छोटा भाई जो है वो अब इसे और सहन नहीं कर सकता था। ही थ्रू डाउन हिज बो एंड एरो, उसने अपना बो एंड एरो, बो और एरो होते तीर कमान, ये कमान है ना, इसके अंदर तीर है, तीर कमान फेंक दिया। ही कॉल्ड ब्रदर कम आउट, और उसने कहा ब्रदर भाई बाहर आओ। लेट्स बोथ हैव वाटर टुगेदर, आओ हम इकट्ठे पानी पीते हैं। अब वो थक चुका था इसलिए बहुत, इसलिए कहते हैं आओ हम इकट्ठे पानी पीते हैं, मीन्स वो शर्त हार गया था। आई कैन नॉट किल यू एंड आई विल नेवर किल एन एनिमल अगेन, मैं तुम्हें नहीं मार सका इसलिए मैं दोबारा कभी किसी एनिमल का शिकार नहीं करूँगा, कभी किसी एनिमल को नहीं मारूँगा। द डियर केम, हिरण आया, केम आउट बाहर आया, एंड द ब्रदर्स ड्रैंक वाटर टुगेदर, और दोनों भाइयों ने इकट्ठे पानी पिया। ठीक है, नाउ ओपन योर वर्कबुक एंड ओपन वर्कशीट 8 पेज नंबर 96। इसमें देखिए सीक्वेंसिंग, तो ये सेंटेंसेस गिवन है आपको, नीचे एक स्टोरी है, ये उसे आपने सीक्वेंस में करना है, बिगिनिंग मिडल एंड एंड इन योर नोटबुक। तो इस सेंटेंसेस इसको आपने स्टेप वाइज मतलब नंबर लगाने हैं कि फर्स्ट स्टेप कौन सा आएगा, टू कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा, फोर्थ। ठीक है, तो आपने जैसे देखिए स्टार्टिंग आपकी वन डे से ही होती है ना, वन डे ए फॉक्स हैड गोन फॉर ए वॉक, तो इसमें आपने सीक्वेंस लगाने की फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड, फोर्थ, छह सेंटेंसेस हैं, इसमें आपने सीक्वेंस लगानी है इसी में ही। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्टोरी द टू ब्रदर्स जो हमने रीड की है, तो उसके बेस पे क्वेश्चंस हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड एज मॉडल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मॉडल क्या है, शिक्षा क्या मिलती है हमें। सेकंड, इन वर्ड्स का यूज़ करना है, पार्ट का मीनिंग यूज़ करना है सेंटेंस बनाने